नमस्कार। आज आपके साथ जो है मैं दोबारा से उपस्थित हुआ हूँ स्टमक रिलेटेड इशू को लेकर, या ट्रंक रिलेटेड जितने भी इशू हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ट्रंक रीजन से मेरा मतलब है ये जितना ऊपर का नीचा लोअर एब्डोमेन से लेके गले तक का जितना हिस्सा होता है इसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं, या अगर सुजोग में जाके बोलते हैं तो सुजोग में अबव द डायफ्राम ये वाला हिस्सा जो होता है अबव द डायफ्राम इसको हम ट्रंक रीजन बोलते हैं। और जब हम टीसीएम मेरिडियन के अंदर जाते हैं तो टीसीएम मेरिडियंस में ये पूरा जो हिस्सा है ये वाला जो पूरा है धड़ का हिस्सा है इसको ट्रंक रीजन बोला जाता है। और कलर थेरेपी में जब हम जाते हैं तो कलर थेरेपी में पांच एनर्जीज के ऊपर हम काम करते हैं, तो पांचों एनर्जी विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और कोल्डनेस ये पांच एनर्जी होती है। जब पांच एनर्जी में से अगर कोई भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो उन प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, उन प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज करना है, मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के अंदर जो है ये वीडियो ऑफ सीरीज होगी। आज मेरा फर्स्ट वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सीरीज है मेरा, जिसके अंदर मैं अराउंड द नेवल नाभि के चारों तरफ का जो दर्द होता है उसके ऊपर डिस्कस करूंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है और इसको हमने कैसे हैंडल करना है और कैसे डायग्नोज करना है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि ये दर्द आता क्यों है, इसके क्या रीजन है दर्द आने के। तो सबसे पहले हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा स्टूल है जो एक्सक्रीटरी मेटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। वो नहीं डिस्चार्ज होने के कारण जो है वो उसके अंदर स्टेग्नेशन हो गया है और स्टूल जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इकट्ठा हो गया है, एक्युमुलेट हो गया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब ये है कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के स्टूल था वो स्टूल पास नहीं हो रहा है और उसके अंदर स्टूल ने जो है वो सड़ना शुरू कर दिया है, और वो जब स्टूल सड़ रहा है और वहाँ पर हीट जनरेट हो रही है, ह्यूमिडिटी एनर्जी एक्सेस हो गई है, ह्यूमिडिटी एनर्जी जहाँ एक्सेस होगी वहाँ पर आपका फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब फंगल इन्फेक्शन होगा वो वहाँ पर गैस जनरेट होगी। गैस जनरेट होने से वो आपके स्टमक के अंदर जो है एब्डामन के एरिया में वो आपको नेवल के अराउंड जो है दर्द क्रिएट कर सकती है। इसके बाद रीजन हो सकता है फूड इन्फेक्शन। अगर हमने कोई ऐसा खाना खाया है जिसको हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया है और उसके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया था जो कि बॉडी जो है एक्सपेल नहीं कर पाई, और वो बॉडी का बैक्टीरिया जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, उस कारण भी हमारे शरीर के अंदर दर्द हो सकता है। फोर्थ, इसके बाद इनडाइजेशन हो सकता है। जो आपने खाना खाया है वो खाना आपकी बॉडी में प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, और डाइजेस्ट होने का रीजन ये है कि जो हमारे बॉडी के पांच तत्व हैं विंड हीट ह्यूमिडिटी ड्राइनेस और कोल्डनेस जो कि पूरी एनर्जी को बॉडी में बैलेंस करते हैं और पूरे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसके अंदर किसी एनर्जी में ऐसा डिसबैलेंस आ गया है जिस कारण जो है जो खाना हमारा है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। या तो स्टमक के अंदर हीट की कमी हो गई है या स्टमक के अंदर ह्यूमिडिटी एनर्जी की एक्सेस कमी हो गई है, इस वजह से वो इनडाइजेशन का इश्यू हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हो सकता है इंटेस्टाइनल वॉल। हमारी जो बड़ी आंत है उसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, और उसके बाद जो है वर्म्स भी होते हैं जो कि बच्चों जो कि बड़े बड़े कीड़ों की शेप में भी हो सकते हैं, छोटे जैसे राइस होता है राइस की शेप में भी वर्म्स हो सकते हैं। इस तरह के वर्म होंगे, और जब आपका पेट खाली होता है तो वर्म्स को जब खाना नहीं मिलता है तो वर्म्स जो है अंदर की लार्ज इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन को बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो अंदर से खाना स्टार्ट करते हैं तब भी आपको पेट के अंदर दर्द होता है। और इससे बाद सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन एक और हो सकता है जो आपकी सोलर प्लेक्सस होती है। सोलर प्लेक्सस को नाभि स्थान जानते होंगे या बैली बटन जानते होंगे, इस नाम से कई नामों से इसको जाना जाता है। और जब मैं सुजोग में जाता हूँ तो सुजोग में आवर बॉडी करस्पॉन्ड टू द हैंड, तो जो बीच का हिस्सा ये वाला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा हमारा सोलर प्लेक्सस का हिस्सा होता है। अगर सोलर प्लेक्सस हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तब भी हमारे पेट के अंदर जो है दर्द हो सकता है।
अब मैं आपके आगे की पिक्चर में डायग्राम में समझाऊंगा कि कौन से एरिया के अंदर अगर दर्द है तो उसको किस तरह से आप डायग्नोज करेंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, तो पिक्चर को मैंने स्टमक के एरिया को, जो मेरा ट्रंक का रीजन है, यहाँ से लेके लोअर एब्डोमेन तक, इसको मैंने चार छह हिस्सों में डिवाइड किया है और इसको मैंने नाम दिया है ए बी सी डी ई और एफ। आज मैं केवल यहाँ पर जो बात करूंगा आपके साथ वो सी और डी के लिए बात करूंगा, क्योंकि सी और डी जो है हमारा नेवल के हिस्से में आता है। तो नेवल के हिस्से में आपके साथ ऑलरेडी मैंने उसके रीजन को डिस्कस किया है कि कौन कौन से रीजन जो है वो इस दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इनडाइजेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रिक हो सकता है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, इस तरह के कई सारे रीजन हो सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एज ए ले मैन थंब रूल की तरह से पॉइंट बताऊंगा जिसको कि आपने करना है, और उस पॉइंट को करने के बाद आपके करीब 50-60% जो है पेशेंट के सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और हो सकता है कि आपके 80% पेशेंट्स को अगर आप ये प्रोटोकॉल सजेस्ट करते हैं तो उसको भी रिलीफ आ सकता है। इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तीन मार्कर पेन लेने हैं, एक ग्रीन मार्कर पेन लेना है, एक रेड मार्कर पेन लेना है और एक ब्लैक मार्कर पेन लेना है। तीन तरह के पेन आपने लेने हैं जो कि आपके पास जो है हमेशा आपके लैब में या आपके क्लिनिक में या आपके पॉकेट में अवेलेबल होना चाहिए। ये ब्लैक कलर का पेन है, जो कि ब्लैक कलर का पेन का मतलब है ये कोल्डनेस एनर्जी है और वाटर कंटेंट्स को ये शरीर के अंदर बढ़ाता है। तो अगर शरीर के अंदर या आपके एब्डोमिनल एरिया में अराउंड द नेवल अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी आई है जो कि पेट के अंदर गर्मी आपको महसूस हो रही है, तो आपने इस काले रंग के पेन को यूज करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस काले रंग के पेन को या कोल्डनेस को बढ़ाने के लिए आपने कैसे यूज करना है। इसके बाद ये रेड पेन है, रेड कलर का पेन है, इसका मतलब हीट एनर्जी या हॉटनेस एनर्जी है। अगर पेट के अंदर आपके पानी भर गया है, पेट के अंदर ठंडक लग रही है, नेवल का एरिया आपका बिल्कुल कोल्ड हो गया है और बाकी शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन नेवल का एरिया जो है उसके अराउंड आपको ठंडक लग रही है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर ठंडक लग रही है नेवल में और उसको दूर करने के लिए आपको हीट एनर्जी चाहिए। और हीट एनर्जी कहाँ से मिलेगी आपको, हीट एनर्जी आपका ये जो है रेड मार्कर जो है, ये रेड इंक जो है, ये आपको हीट एनर्जी प्रदान करेगा, क्योंकि लाल रंग जो है ये हीट का द्योतक है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन कलर, मैं ग्रीन कलर से बात करूंगा। ग्रीन कलर का मतलब है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो आपका नेवल का एरिया है इसके अराउंड जो है स्टेग्नेशन हो गया है और जो आपकी एनर्जी का मूवमेंट है वो एनर्जी का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पेट में दर्द हो रहा है। अब सी और डी चैम्बर में देखिए, आप यहाँ पर दो पॉइंट दिखाए गए हैं, एक बीच में जो है नेवल को दिखाया गया है जिसको सर्किल किया गया है, उसके अराउंड में दो पॉइंट और बने हुए हैं जिसको कि आप राइट हैंड में आके देखेंगे तो उसको मार्क किया गया है स्टमक 25। ये स्टमक 25 जो है इतना इफेक्टिव और इतना अच्छा पॉइंट है, ये आपके सी और डी चैम्बर की अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको ये खत्म कर सकता है। और ये जो कलर का सिलेक्शन लिया है, कलर को जो मैंने डिवाइड किया है, चैम्बर्स को डिवाइड किया है, बॉडी के ऊपर सी एंड डी पोर्शन को लिया है, ये मेरा अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट है, अग्रवाल एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड कलर थेरेपी। इसके ऊपर मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें कि मैंने बताया है कि सुजोग को जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, एक्यूप्रेशर को कैसे लेते हैं, उसके बाद उसको TCM एक्यूपंचर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और TCM एक्यूपंचर में कन्वर्ट करने के बाद उसको सुजोग में कैसे लेके आते हैं, और सुजोग में कैसे लेके आने के बाद उसको कलर थेरेपी से कैसे कन्वर्ट करते हैं या कलर थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं। अब मैं आपको ट्रीटमेंट पार्ट बताता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट पार्ट कैसे है। ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर आप नेवल के ऊपर, ये मेरा नेवल है, इस नेवल को आप समझ गए होंगे, इसके एक इधर पॉइंट है जिसको स्टमक 25 बोलते हैं और एक पॉइंट इधर है इसको स्टमक 25 बोलते हैं। इन स्टमक 25 के ऊपर आपने जैसे फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपने इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ये फील हो रहा है कि यहाँ पर ब्लॉटिंग हो गई है
आपको इस चमक के अंदर ऐसे लग रहा है कि खाना मेरा रखा हुआ है और खाना मेरा मूव नहीं कर रहा है। तो आपने क्या करना है, ये पेन लेना है। इस पेन लेने के बाद आपने स्टमक 25 जो पॉइंट है इसके ऊपर आपने ग्रीन कलर कर देना है, जिसको कि मैं आगे की पिक्चर में भी आपको दिखाई देगा, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर स्टमक 25 में ब्लॉटिंग की वजह से अगर एनर्जी मूव नहीं हो रही है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो आपने ST25 के ऊपर ग्रीन कलर लगाना है। इसके बाद अगर आपको यह लग रहा है कि नेवल के अराउंड आपको ठंडक लग रही है और ठंड की वजह से आपका खाना मूव नहीं हो रहा है, तो आपने इस ST25 के ऊपर रेड कलर से मार्क लगाना है। नेक्स्ट, अगर आपके पेट के अंदर बर्निंग हो रही है, आपको यह लग रहा है कि मेरे पेट के अंदर बहुत ज्यादा जलन हो रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है ड्यू टू एक्सेसिव हीट इन द बॉडी, तब आपने स्टमक 25 के ऊपर इस रेड ब्लैक कलर को यूज करना है और उस पॉइंट्स को ब्लैक कर देना है। और ये मार्क जो लगाएंगे आप थोड़े से बड़े मार्क लगाएंगे, ताकि वो आपका जो पॉइंट का एरिया है वो पूरा कवर हो जाए। तो इस तरह से आपने जो भी ट्रीटमेंट है इस सी और डी चैम्बर का, उसको आपने क्लियर करना है। और इसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप लगाएंगे इमिडिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो है स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यू होंगे वो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आगे ए और बी सी चैम्बर के ऊपर जो प्रॉब्लम रह गई है, उसको मैं नेक्स्ट अगली सीरीज में कवर करूंगा। उसके बाद उस वीडियोस को आप देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू। और मैंने सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हैं आपको, मेरा ईमेल एड्रेस है, व्हाट्सएप नंबर है और वेबसाइट की डिटेल्स हैं। इसके ऊपर आप जाके वेबसाइट के ऊपर भी सारी डिटेल्स ले सकते हैं और मेरे को ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, और व्हाट्सएप नंबर को मेरे को मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हेल्प होगी आपकी बराबर से की जाएगी। और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, सुजोग और कलर थेरेपी के ऊपर मेरे रेगुलर वेबिनार चलते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, क्लासेज चलती हैं। उसको भी आप लोग चाहें तो मोर नॉलेज गेन करने के लिए उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।